हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पा सकें सबसे पहले वीडियो अपडेट्स। रानी पद्मिनी का इतिहास। पद्मिनी ने अपना जीवन अपने पिता गंधर्वसेन और माता चंपावती के साथ सिन्हला में व्यतीत किया था। पद्मिनी के पास एक बोलने वाला तोता हीरामनी भी था। उनके पिता ने पद्मावती के विवाह के लिए स्वयंवर भी आयोजित किया था, जिसमें आसपास के सभी हिंदू राजपूत राजाओं को आमंत्रित किया गया था। एक छोटे से राज्य के राजा मलखान सिंह भी उनसे विवाह करने के लिए पधारे थे। चित्तौड़ के राजा रावल रतन सिंह रानी नागमती के होते हुए भी स्वयंवर में आए थे और उन्होंने मलखान सिंह को पराजित कर पद्मिनी से विवाह भी कर लिया था, क्योंकि राजा रावल रतन सिंह स्वयंवर के विजेता थे। स्वयंवर के बाद वे अपनी सुंदर रानी पद्मिनी के साथ चित्तौड़ लौट आए थे। 12वीं और 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत के आक्रमणकारियों की ताकत धीरे धीरे बढ़ रही थी। इसके चलते सुल्तान ने दोबारा मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया था। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने सुंदर रानी पद्मावती को पाने के इरादे से चित्तौड़ पर भी आक्रमण कर दिया था। यह पूरी कहानी इतिहासकार अलाउद्दीन के लिखान पर आधारित है, जिन्होंने इतिहास में राजपूतों पर हुए आक्रमणों को अपने लेखों से प्रदर्शित किया था। लेकिन कुछ लोगों को उनकी इन कहानियों पर जरा भी भरोसा नहीं था, क्योंकि उनके अनुसार अलाउद्दीन के लेख मुस्लिम सूत्रों पर आधारित थे, जिसमें मुस्लिमों को महान बताया गया था। उनके अनुसार अलाउद्दीन ने इतिहास के कुछ तथ्यों को अपनी कलम बनाकर काल्पनिक सच्चाई पर आधारित कहानियां बनाई थी। उन दिनों चित्तौड़ राजपूत राजा रावल रतन सिंह के शासन में था, जो एक बहादुर और साहसी योद्धा भी थे। एक प्रिय पति होने के साथ ही वे एक बेहतर शासक भी थे। इसके साथ ही रावल सिंह को कला में भी काफी रुचि थी। उनके दरबार में काफी बुद्धिमान लोग थे, उनमें से एक संगीतकार राघव चेतन भी था। ज्यादातर लोगों को इस बात की जानकारी आज भी नहीं है कि राघव चेतन एक जादूगर भी थे। वे अपनी इस कला का उपयोग शत्रुओं को चकमा या अचंभित करने के लिए आपातकालीन समय में ही करते थे। लेकिन राघव सिंह के कारनामे सभी के सामने आने के बाद राजा बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाले जाने का भी आदेश दिया था और उनके चेहरे को काला कर उन्हें गधे पर बिठाकर राज्य में घुमाने का आदेश भी दिया था। इस घटना के बाद वे राजा के सबसे कट्टर दुश्मनों में शामिल हो गए थे। इसके बाद राघव चेतन ने दिल्ली की तरफ जाने की ठानी और वहां जाकर वे दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए मनाने की कोशिश करते रहते। दिल्ली आने के बाद राघव चेतन दिल्ली के पास ही वाले जंगल में रहने लगे थे, जहां सुल्तान अक्सर शिकार करने के लिए आया करते थे। एक दिन सुल्तान के शिकार की आवाज सुनते ही राघव ने अपनी बांसुरी बजाना शुरू कर दी। जब राघव चेतन की धुन सुल्तान की सेना और उन्हें सुनाई दी तो वे सभी आश्चर्यचकित हो गए थे कि इस घने जंगल में कौन इतनी मधुर ध्वनि से बांसुरी बजा रहा होगा। सुल्तान ने अपने सैनिकों को बांसुरी बजाने वाले इंसान को ढूंढने का आदेश दिया और जब राघव चेतन स्वयं उनके सामने आए तब सुल्तान ने उनसे अपने साथ दिल्ली के दरबार में आने को कहा। तभी राघव चेतन ने सुल्तान से कहा कि वह एक साधारण संगीतकार ही है और ऐसे ही और भी बहुत से गुण हैं उसमें। और जब राघव चेतन ने अलाउद्दीन को रानी पद्मावती की सुंदरता के बारे में बताया तो अलाउद्दीन मन ही मन रानी पद्मावती को चाहने लगे थे। इसके तुरंत बाद वे अपने राज्य में गए और अपनी सेना को चित्तौड़ पर आक्रमण करने का आदेश दिया, ताकि वे बेहद खूबसूरत रानी पद्मावती रानी पद्मिनी को हासिल कर सके और अपने हरम में ला सके।
चित्तौड़ पहुंचते ही अलाउद्दीन खिलजी के हाथ निराशा लगी, क्योंकि उन्होंने पाया कि चित्तौड़ को चारों तरफ से सुरक्षित तरीके से सुरक्षा प्रदान की गई है, लेकिन वे रानी पद्मावती की सुंदरता को देखने का और ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने राजा रतन सिंह के लिए यह संदेश भेजा कि वे रानी पद्मावती को बहन मानते हैं और उनसे मिलना चाहते हैं। इसे सुनने के बाद निराश रतन सिंह को साम्राज्य को तीव्र प्रकोप से बचाने का एक मौका दिखाई दिया। रानी पद्मावती रानी पद्मिनी ने अलाउद्दीन को उनके प्रतिबिंब को आईने में देखने की मंजूरी दे दी थी। अलाउद्दीन ने भी निर्णय लिया कि वे रानी पद्मावती को किसी भी हाल में हासिल कर ही लेंगे। अपने कैंप में वापस आते समय अलाउद्दीन कुछ समय तक राजा रतन सिंह के साथ ही थे। सही मौका देखते ही अलाउद्दीन ने राजा रतन सिंह को बंदी बना लिया और बदले में रानी पद्मावती को देने के लिए कहा। सोनगरा के चौहान राजपूत जनरल गोरा और बादल ने सुल्तान को उन्हीं के खेल में पराजित करने की ठानी और कहा कि अगली सुबह उन्हें रानी पद्मावती दे दी जाएंगी। उसी दिन 150 पालकी, जिसे पूरी तरह से सजाकर ढककर उस समय में चार इंसानों द्वारा एक स्थान से स्थान पर ले जाया जाता था, उस समय इसका उपयोग शाही महिलाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए करती थी, मंगवाई और उन्हें किले से अलाउद्दीन के कैंप तक ले जाया गया और पालकियों को वही रोका गया जहाँ राजा रतन सिंह को बंदी बनाकर रखा गया था। जब राजा ने देखा कि पालकियां चित्तौड़ से आई है तो राजा को लगा कि उसमें रानी भी आई होगी और ऐसा सोचकर ही वे शर्मिंदा हो गए थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि पालकी से बाहर रानी नहीं बल्कि उनकी महिला कामगार निकली है और सभी पालकियां सैनिकों से भरी हुई है तो वे पूरी तरह से अचंभित थे। सैनिकों ने पालकी से बाहर निकालकर तुरंत अलाउद्दीन के कैंप पर आक्रमण कर दिया और सफलता से राजा रतन सिंह को छुड़ा लिया, जिसमें दोनों राजपूत जनरल ने बलपूर्वक और साहस दिखाकर अलाउद्दीन की सेना का सामना किया था और रतन सिंह को उन्होंने सुरक्षित रूप से महल में पहुंचा दिया था, जहां रानी पद्मावती उनका इंतजार कर रही थी। इस बात को सुनते ही सुल्तान आग बबूला हो चुका था और उसने तुरंत चित्तौड़ पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। सुल्तान की आर्मी ने चित्तौड़ की सुरक्षा दीवार को तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसा करने में वे सफल नहीं हो सके। तभी अलाउद्दीन ने किले को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया। ऐसा पाते ही राजा रतन सिंह ने सभी राजपूतों को आदेश दे दिया कि सभी द्वार खोलकर अलाउद्दीन की सेना का सामना करें। आदेश सुनते ही रानी पद्मावती ने देखा कि उनकी सेना का सामना विशाल सेना से हो रहा है और तभी उन्होंने चित्तौड़ की सभी महिलाओं के साथ जौहर करने का निर्णय लिया। उनके अनुसार दुश्मनों के हाथ लगने से बेहतर जौहर करना ही था। जौहर एक ऐसी प्रक्रिया है जिनमें शाही महिलाएं अपने दुश्मन के साथ रहने की बजाय स्वयं को एक विशाल अग्निकुंड में न्योछावर कर देती है। इस तरह खुद का जौहर कर उन्होंने आत्महत्या कर दी थी, जिसमें एक विशाल अग्निकुंड में चित्तौड़ की सभी महिलाएं खुशी से कूद गई थी। यह खबर पाते ही चित्तौड़ के सैनिकों ने पाया कि अब उनके पास जीने का कोई मकसद नहीं है और तभी उन्होंने सका करने का निर्णय लिया, जिसमें सभी सैनिक केसरी पोशाक और पगड़ी के पहनावे में सामने आए और उन्होंने अलाउद्दीन की सेना का मरते दम तक सामना करने का निर्णय लिया था। इस विनाशकारी विजय के बाद अलाउद्दीन की सेना केवल राख और जले हुए शरीर को देखने के लिए किले में आ सकी। आज भी चित्तौड़ की महिलाओं के जौहर करने की बात को लोग गर्व से याद करते हैं, जिन्होंने दुश्मनों के साथ रहने की बजाय स्वयं को आग में न्योछावर करने की ठानी थी। रानी पद्मिनी रानी पद्मिनी के बलिदान को इतिहास में सुवर्ण अक्षरों से लिखा गया है। Thank you for watching my video. Don't forget to like and subscribe my channel for more exciting videos.